आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। नमो बुद्धाय जय भीम के उद्घोषों के साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के तहसील कटंगी खैरलांजी स्थित ग्राम कुमली छतेरा मानेगांव गुडरूघाट में लगातार 4 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वर्षावास कार्यक्रम आयोजित किया गया। बौद्ध उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध के धम्म जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। इस अवसर पर भिक्खु सारिपुत्र सम्मजनों दिक्की विशुद्धि विनय रखतो थाईलैंड नागपुर सहित देश के पूज्य भंते भिक्खुओं का आगमन हुआ है। तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर गाँव में घूम घूम कर चारिका की जा रही है, जिसमें सभी लोगों द्वारा भिक्खु संघ को भोजन दान किया जा रहा है। उपासक उपासिकाओं द्वारा भी भोजन ग्रहण किया गया। फिर कुछ देर बाद संचित होकर सभी लोगों के बीच बैठकर बुद्ध के धम्म के अनुसार शांति करुणा समता बंधुता का संदेश भी सभी को बताया गया। भंते जी ने सभी को धम्म के अनुसार जीवन जीने की कला सभी को समझाया। शांति करुणा समता का भाव सभी परिवार में रहना चाहिए बताया। उन्होंने कहा कि भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म को सारे लोगों तक पहुँचाया और देश को मानवता का संदेश दिया। अंत में ग्राम विहार में सभी को भिक्खु संघ ने मंगल मैत्री दी। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन बालाघाट जिला बौद्ध संघ अध्यक्ष माननीय सचिन मेश्राम, सुरेंद्र गजबी, सरोज मेश्राम, उपासिका ज्योति ताई सहित प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में बुद्ध विहारों में कार्यक्रम किया जा रहा है और सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सच्चाई है सच्चाई, जिसे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अनुभव करते हैं। अब उसी सांस के सहारे चित्त को एकाग्र करना है, उसी सांस के सहारे मन को निर्मल करना है। मन के जितने भी दोष हैं, उन दोषों को हटाकर उन दोषों से मुक्त होना है।